सागर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय घाटी पर झिरिया मंदिर के पास महिला वकील के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई है। महिला वकील मॉर्निंग वॉक पर गई थी, तभी पीछे से आए बदमाशों ने उनका मुंह दबाया और गले से 2 तोला वजनी सोने की चेन छीन कर फरार हो गए। पीछे से आ रहे महिला वकील के पति ने बदमाशों को जंगल की ओर भागते हुए देखा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की है। जानकारी के अनुसार मधुकर शाह वार्ड की सीमा कॉलोनी निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सिंह और उनकी पत्नी अधिवक्ता मीनाक्षी सिंह रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर विश्वविद्यालय घाटी गए थे। मीनाक्षी आगे जा रही थी जबकि उनके पति कुछ दोस्तों के साथ पीछे चल रहे थे। इसी दौरान झिरिया मंदिर के पास एक बदमाश ने मीनाक्षी का पीछे से मुंह दबाया और उनके साथ आए 3 अन्य बदमाशों ने गले से सोने की चेन छीनी और भाग गए। मीनाक्षी चिल्लाई तो पति अनिल सिंह व उनके साथी दौड़ कर मौके पर पहुंचे, जहां देखा कि 4 युवक जंगल की ओर भाग रहे हैं। उनकी उम्र करीब 25 साल के आसपास होगी। मामले में उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। अधिवक्ता अनिल सिंह ने कहा कि करीब 15 सालों से मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं। हमारा डॉगी साथ आता था, 9 जुलाई को उसकी मौत हो गई है। वह होता तो शायद बदमाश वारदात को अंजाम न दे पाते। मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस विश्वविद्यालय मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। वहीं टावर लोकेशन डिटेल भी खंगाली जा रही है। मामले में पुलिस को आसपास के लोगों पर संदेह है। आपको बता दें कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप पर भी दिन दहाड़े लूट हुई थी। हालांकि इस मामले में आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। थाना क्षेत्र में पुलिस गश्त में सुस्ती और लापरवाही के कारण वारदातें बढ़ी हैं।